हामद राणा हामद अफजल साहब जनरल सेक्रेटरी यूके अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तमाम ख्वातीन और हजरात इनका शुक्रिया, और स्पेशली क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी यूके हूँ, रीजन्स मेरे साथ काम करते हैं, तो मेरा मनसब का तकाजा है कि मैं शुक्रिया अदा सबका करूँ जो दूर दूर से हमारे तमाम रीजन से दोस्त तशरीफ लाए, स्पेशली ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से साकिब मलिक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आमिर भाई जो एडिशन जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ हमारे, मैं न्यू कासली कहूंगा, मिडिलसब्रा नहीं कहूंगा, सेकदारी साहब हमारी गवर्नमेंट की टीम, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशली यॉर्कशायर हम्बर साइड ऑलवेज सबसे आगे होता है इवेंट करने में, कोई प्रोटेस्ट हो लंदन में हो कहीं भी हो, सबसे आगे होता है, आपका शुक्रिया। स्पेशली जवेद जदी साहब, फयाज अंजम साहब जो दबंग जनरल सेक्रेटरी माशाल्लाह भी बने हैं, प्रोफेसर जलील साहब आपका और एंटायर टीम का शुक्रिया के आपके रीजन को ये भी एजाज है कि आपके रीजन से प्रेसिडेंट पीटीए यूके मुंतखब भी हुए हैं, बल्कि इमरान खलील साहब और सेकेंडली वहीम मलिक साहब जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं, आपका रीजन सबसे मुनफरद भी है और आप पे वजन भी ज्यादा और आप हमेशा उसका हक अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बहन मेरी सफीना फहीम बैठी हुई है, बड़ी एक्टिव है लाइका शेख आप, और उसके बाद हमारी पीटीए यूके की नेशनल टीम के दोस्त भी यहाँ मौजूद है, हमारी वुमेन सेक्रेटरी है आसिया बहन है, हैदर खान साहब है, हाजी मकसूद साहब हमारे नेशनल के कोऑर्डिनेटर पीटीए यूके हैं, आपका भी शुक्रिया। इनाम भाई बड़ी जबरदस्त स्पीच थी इनाम भाई, मैं समझता हूँ कि मरवत साहब के आने पे अगर आप करते तो ज्यादा तो महसूस होते आपकी स्पीच से, और अगर तरवीर हमारे यूथ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया, स्पेशली मेरे साथ आज मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीए वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्यानी साहब मौजूद है, शाहिद क्यानी, और मेरे भाई मियां फराज साहब आए हैं पाकिस्तान से, इनके बड़े भाई मिनिस्टर भी हैं मियां खाल कास्ट्रो, वो तो भागे हुए हैं, जो उनको भी रखा है पुलिस ने जेल में और फौज ने, लेकिन ये निकला है, ये भी आज आपके मरवत साहब को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं जी आगाज करता हूँ, सॉरी मोइन मोइन हामिद मेरा हम नाम भी है, मैं एक तस्वीर कर दू, ये आयरलैंड में इंशाल्लाह फ्यूचर प्रेजिडेंट है, इन्होंने बहुत बड़ा वोट बनाया और इंशाल्लाह जीतेंगे। नासिर मीर साहब पीटीए यूके की शान है, डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी है, मीर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, हमेशा फहीम मलिक साहब और आप हर प्रोग्राम कवर करते हैं, मेरा ख्याल मैं अब इसको वाइंड अप कर लू फॉरन, क्योंकि खवातीन ज्यादा सुनना चाहती है, मरवत साहब आप मुझे नहीं पता था आप खवातीन इतने पॉपुलर है, मैं तो मेरे मतों में ज्यादा पॉपुलर है, तो एक ही बात है, एक ही मैसेज है कि पीटीए यूके और ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये खान साहब को जरूर मैसेज दीजिएगा कि आपकी जंग में हम हरावल दस्ता है और इंशाल्लाह ताला हम तब तक खड़े रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते, जब तक हम फ्री और फेयर एंड फ्री इलेक्शन ले लेते। तकरीर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं बोल भी लेता हूँ, लेकिन अभी हम आपको सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, मैं सिर्फ चंद बातें कहूंगा। स्कॉटलैंड हमारे ख्याल में जो इंग्लैंड की आबादी है उसके हिसाब से हम वन थर्ड हैं, लेकिन लंदन के बाद जो सबसे ज्यादा वोट है हमारे रीजन से है, तो इस बड़ी तादाद में लोग जो है इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, तो चूंकि मलिक साहब भी नहीं है पर मैं अपने जनरल सेक्रेटरी हमद साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेहमान आते हैं पाकिस्तान से ऑब्वियसली मैनचेस्टर लंदन आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश जरूर करें कि उनको स्कॉटलैंड भी लेके आए, तो ये स्पेशली जो अली अजहर हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी वजह से आज नहीं आ सके, तो ये एक पैगाम था। इसके अलावा हम पाकिस्तान के जो हालात हैं आप सामने बयान किए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे मेरे भाई जो है उनको सिर्फ इस वजह से उठा लिया गया कि उनकी गाड़ी में पीटीआई का झंडा था और 6 महीने में अभी से उनको शेखुपुरा से जाके उनको जमानत मिली है 6 महीने के बाद। यहाँ बैठ के बहुत से टिकटॉकर होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि ठीक है हम अब आजकल हमें बहुत गुस्सा है दारू के खिलाफ, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी पीटीआई यूके की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम जो हमारे पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले लोग हैं उनको ये बताएं कि जो बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं वो पीटीआई यूके नहीं है,
और इसके साथ मैं हमारी दुआ है कि जी हमें इमरान खान जैसा लीडर जो है वो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, लेकिन हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हम बातें करते हैं, हमारी कौम का मिजाज ऐसा है तो ऐसे जुर्म और जबर के माहौल में रह रहे हैं कि मुझे जॉन एलिया का एक मिसरा याद आ रहा है, उसी के उसके साथ मैं आप इजाजत चाहूंगा, दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इमरान खान को जो है वो लंबी जिंदगी दे, उसको ये जो कैदबंद की सोचते हैं वो अल्लाह ताला उसको उसकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हम एक बड़े जो है ना कठिन माहौल में रह रहे हैं। तो वहां पर एक जॉन एलिया का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि डर है चुबा न जाए कलेजा निकाल कर, डर है चुबा न जाए कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदू मजाज लोग। तो ऐसे